हॉलीवुड के फेमस एक्टर और साथ ही डायरेक्टर राजीव कपूर जब हमारे बीच नहीं रहे। 9 फरवरी को राजीव कपूर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। सुबह करीब 10 बजे उन्हें चैंबूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और दोपहर 12 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। राजीव कपूर के निधन से पूरा कपूर खानदान सदमे में है। ऐसे में अब हम आपको बताने वाले हैं राजीव कपूर की आखिरी ख्वाहिश के बारे में। जी हाँ, राजीव कपूर के निधन के बाद आशुतोष गोवारिकर ने ट्वीट करके अपना ये दुख जाहिर किया था। आशुतोष ने ट्वीट में लिखा था कि राजीव कपूर के निधन की खबर सुनकर वो काफी दुखी हुए। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के वक्त मैं उनका फैन रहा हूँ। हमने मेरी होम प्रोडक्शन तुलसीदास जूनियर की शूटिंग पूरी कर ली थी, जिसका डायरेक्शन मृदुल कर रहे थे। राजीव काफी मिलनसार थे और उन्होंने अपना किरदार बहुत ही मजेदार और आसानी तरीके से निभाया। हम उन्हें बेहद मिस करेंगे। दरअसल राजीव कपूर आशुतोष गोवारिकर की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म तुलसीदास जूनियर में काम कर रहे थे। वो अपने हिस्से की शूटिंग निपटा चुके थे और फिल्म से जुड़े इंटरव्यूज में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी तैयारियां सब कुछ अधूरा रह गया। यहां तक कि तुलसीदास जूनियर राजीव कपूर की आखिरी फिल्म बनकर रह गई, जहाँ पर बता दें कि तुलसीदास जूनियर की फिल्म को अभी तक खुद भी नहीं देखा था राजीव कपूर ने, और ये आखिरी अधूरी ख्वाहिश रह गई राजीव कपूर की अपनी फिल्म को देखना। बता दें कि इस फिल्म में संजय दत्त मुख्य लीड एक्टर में नजर आ रहे हैं। फिल्म के निर्देशन डायरेक्टर मृदुल ने किया है। 11 दिसंबर को आशुतोष ने फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया था। राजीव कपूर को भी अपनी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन क्योंकि 31 साल बाद राजीव कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया था, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड भी थे, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ सीमित वक्त तक ही रह पाई और अपनी फिल्म रिलीज और देखने से पहले ही राजीव कपूर दुनिया से चल बसे और ये आखिरी ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई अपनी फिल्म देखने की। नेक्स्ट 9 लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।